सर्वे अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। ये मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी इंडियन रेलवे नॉक एट द डोर ऑफ पाकिस्तान। ओहो ताहिर सुहेल की वीडियो है। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। खड़ा हूँ बारामूला में और ये जो ट्रैक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जा रहा है उड़ी के लिए, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है इस वाली साइड से, ये जो है पूरा लिफ्ट मैकेनिज्म है जिस भाई आज हम जाने वाले हैं कश्मीर के सबसे लास्ट वाले रेलवे स्टेशन पे, जो गया रेलवे स्टेशन बारामूला, और वहाँ से आगे जो है स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फिलहाल अभी के टाइम पे जी हम हैं रेलवे स्टेशन श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर है। तो यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और हम जाएंगे जी बारामूला। उड़ी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उस पर एक मूवी बनी है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो फिलहाल आज हम वहीं चलते हैं और वहाँ से जो है थोड़े से डिस्टेंस पे जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो फिलहाल जी मेरे साथ है आज अपने तेजस भाई और AD द मूनलाइट। तो फिलहाल हम चल रहे रेलवे स्टेशन के लिए, तो ट्रेन पकड़ते और चलते हैं बारामूला। इससे पहले मैं कभी भी नहीं गया हूँ बारामूला, आज मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो कितना डिस्टेंस है, क्या है, तो सारा मैं मैप के जरिए आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल जी हम ट्रेन पकड़ते हैं और पहुँचते हैं बारामूला। तो ये आप देख सकते हैं ये है रेलवे स्टेशन श्रीनगर, और आप देख सकते हैं ये अभी बाहर रोड से जो इसका कैसा व्यू है, ये देखिए ऊपर हाइट पे वो तिरंगा और पीछे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, और सामने जो है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह होती है, इनकी गाड़ी आप देख सकते हैं सामने लगी हुई है। बाकी जो है यहाँ पे बाहर बसेस वगैरह होती है वो सामने से, और ये वाला रोड जो है ना वो सामने से हाईवे से आके यहाँ के लिए सीधे जाता है स्टेशन के लिए। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा रेलवे स्टेशन श्रीनगर की जो है, आपको जो सोमू स्टैंड है वो कहाँ पे, उस साइड से आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको मतलब हर कहीं वहाँ से बिमना जाना होगा, LD जाना हो, जहाँ भी जाना हो, लाल चौक वगैरह, डल लेक, डल गेट, तो वहाँ से जो है गाड़ियाँ मिलती है। तो बाकी यार और भाई क्या है ना यहाँ पे ना आपको हर जगह पे वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं होता है, बट कैसे भी करके जो है वीडियोस लेनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह होंगी वहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं खोलिएगा, तो क्योंकि फ़ाइन वगैरह पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है बट कुछ केसेस में जो है वीडियोस वगैरह नहीं लेने देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो मैं थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ, मर्ज़ी आप लोगों की है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं एक ट्रेन ना चले गई, वो थी 11:41 पे, तो हम जो है लेट हो गए, अभी 12:30 बज रहे, अब जो है ट्रेन है 1:30 पे आई गैस। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम स्टेशन के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ से स्टेशन, ये जी देखिए फुटस्टेप्स चढ़ के। और हाँ कुछ ही टाइम पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि टिकट की प्राइस जो है काफ़ी कम हो गई है, तो यहाँ से जो है बारामूला टिकट प्राइस पहले ऑलमोस्ट 40 तक होगी, आज के टाइम पे 10-15 रुपए की होगी। तो देखते हैं ज़रा कितने की टिकट हैं। और हाँ यहाँ पे पार्किंग भी है, पेड पार्किंग वो सामने से उस साइड से, तो वहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं और टिकट वगैरह लेके हम चलते हैं बारामूला। तो ये आप देख सकते हैं ये है रेलवे स्टेशन श्रीनगर, और अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं ट्रैक्स सारी की सारी पूरी खाली है, कोई भी ट्रेन अभी के टाइम पे यहाँ पे नहीं है। और आप देख सकते हैं कितने प्लेटफॉर्म से, दो इस साइड से है और बाकी दो उस साइड से। तो ये यहाँ से आगे जो है ट्रेन जाती है इस साइड से बानीहाल के लिए, मतलब बानीहाल टू संगलदान आप कह सकते हैं कि जम्मू वाली साइड हो, इस साइड जाती है भाई बारामूला वाले साइड से। और अभी के टाइम में जो हम इस साइड जाएंगे, इसके बाद बडगाम आता है और फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेशन आते हैं, सोपोर आते हैं, कुछ मोहजामा है और काफ़ी स्टेशन है, और लास्ट वाला स्टेशन है बारामूला। तो फिलहाल ये वाला स्टेशन जो है रीडेवलप किया गया था, तो ये आप देख सकते हैं रीडेवलप क्या क्या था, मतलब कि ये आप देख सकते हैं पहले तो ये टीन था, इस साइड से जो है ये वुडन वाली चीज़ें लगाई गई हैं, ये आप देखिए यहाँ से। और आज के टाइम पे लोग काफ़ी कम है क्योंकि रोज़े चल रहे, तो लोग जो है ट्रेवल कम करते हैं, तो सही है।
तो उड़ी जो है बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो कि बारामुल्ला से जो है 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और वहीं पे जो है रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है बारामुल्ला टू उड़ी, जो कि है 2022 में उसका काम जो स्टार्ट हो गया था और 2027 में जो है उसकी डेडलाइन है कंप्लीट होने की। तो ये वाला जो टाउन है ना उड़ी का, ये जो है LOC के बिल्कुल पास में है, मतलब वहां से आगे जो स्टार्ट हो जाता भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फिलहाल आज के टाइम पे हम जाएंगे बारामुल्ला तक और वहाँ से आगे फिर देखते कि जरा जाएंगे या नहीं। तो फिलहाल अभी ट्रेन को काफ़ी टाइम है, तो फिलहाल हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और फिर जो है चलते हैं हम बारामुल्ला। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है इस वाली साइड से, ये जो है पूरा लिफ्ट मैकेनिज्म है जिस तरह जो है मॉल्स में होता है। आपको यहाँ से देख सकते हैं एक साइड से जाती है ऊपर के लिए और दूसरे साइड से नीचे के लिए। ये आप देखिए अभी के टाइम पे इससे पहले जो फुट ओवर ब्रिज थे वो जो है पुराने टाइप के थे जिस तरह के होते हैं यहाँ से, तो ये वाला जो है कुछ नया बन रहा है। ये देखिए आप यहाँ से अभी जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं और आप जो है दूर से ही देख सकते हैं यहाँ से ये बेरिंग्स जैसे है। तो सही है यार, ये काफी बढ़िया चीज है यार, एकदम 2 सेकेंड में बंदा जो है ऊपर ब्रिज पे पहुंच जाता होगा, बहुत ही बढ़िया यार। ये रही भाई ट्रेन, सामने आप देख सकते हैं अभी हम फुट ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ट्रेन पकड़ेंगे जल्दी। ओह ये देखिए भाई क्या बात है, ये रही ट्रेन और ये ट्रेन आई अभी बानिहाल से भाई और जा रही है श्रीनगर के लिए। सॉरी, ये ट्रेन आई अभी बानिहाल से और जा रही है ये बारामुल्ला। तो ये देखिए किस तरह की ट्रेन होती है, व्हाइट रेड एंड ब्लू, और ये देखिए भाई क्या बात है, बहुत चलो और अभी देखिए स्प्रिंग का सीजन है अभी चल रहा है यहाँ पे, तो अभी देखिए समर सा रहे और एकदम ग्रीनरी है बिल्कुल ये पेड़ पौधों में, ये देखिए हर तरफ से ग्रीनरी भाई, बहुत ही सही, बहुत ही जबरदस्त। तो ये आ गए हम रेलवे स्टेशन बडगाम पहुंचे हम। तो रेलवे स्टेशन बडगाम जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये जो है कश्मीर रेलवेज का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स होती है, आधी ट्रेन्स रिपेयरिंग के लिए होती है, जो भी काम वाम होता है ट्रेन्स का यहीं पे होता है, और जितनी भी नई ट्रेन्स वगैरह आती है जो भी आती है सारी ट्रेन्स जो है यहीं पे रुकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म्स है, ये देखिए आप एक प्लेटफॉर्म पे तो हम इस साइड से है, बाकी आप वहां से देख सकते हैं। और ये रहा बडगाम, बडगाम तो आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे जो है 2 ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। तो सारी की सारी ट्रेन जो है बारामुल्ला तक नहीं जाती है, कुछ ट्रेन संगलदान टू बारामुल्ला, बाकी जो है संगलदान टू बडगाम है, बानिहाल टू बडगाम। तो ये आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे सामने से एक ट्रेन है, तो अभी ये ट्रेन जाएगी बानिहाल के लिए सामने जो है, ये देखिए अभी लोग जो है रुके हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए इस साइड से सेकंड क्लास, काफी ट्रेन होती है यार यहाँ पे, ये देखिए कितने लोग रुके हैं बारामुल्ला जाने के लिए। तो अभी देखिए हमारे साथ में ये ट्रेन है, तो ये देखिए यार लोग कैसे चल रहे हैं वो देखो भाई इन लोगों को पता होता है टाइमिंग का, इसीलिए लोग जो है इस साइड से जल्दी जल्दी में जाते हैं। अभी सामने की ओर जाना है हमें भाई, बहुत ही सही। और ये रही ट्रेन और ये रहा कुछ अंदर का, और सीट्स देख सकते हैं प्लास्टिक वाली सीट्स है और फैन वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये देखिए भाई बहुत सही। तो अगर बात की जाए ट्रेन के हॉल्ट की, तो यार 2 से 3 मिनट रुकती है ट्रेन यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है कि सामने ट्रैक खाली है या क्रॉसिंग है। तो अगर क्रॉसिंग होगी तो जल्दी निकल जा, अगर क्रॉसिंग होगी तो 5 से 10 मिनट रुकती है, अगर क्रॉसिंग नहीं हुई तो 1-2 मिनट या 3 मिनट और चली जाती है। तो पैसेंजर भी लोग भी कम ही होते हैं, तो जितने टाइम में लोग चढ़ते हैं उतरते हैं तो उतने में जो है रुकती है 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर जो है निकल जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है क्रॉसिंग पे, क्योंकि आपको पता होगा बीच में डबल ट्रैक है कहीं पे, तो कुछ जगहों पे सिंगल ट्रैक्स है, तो इसीलिए सही है। और बाहर का आप देख सकते हैं इस तरह का सीन, ये पुलिस वाले भाई है यहाँ पे,
अभी हम रुके हैं रेलवे स्टेशन माजहोम। तो काफ़ी छोटा सा स्टेशन है ये, तो यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट 1.5 मिनट का है, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड्स या 2 मिनट जो है रुकती है ट्रेन यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है बारिश की। तो ये वाला स्टेशन काफ़ी छोटा है तो सही है। अभी इसके बाद 3-4 स्टेशन आएंगे, श्रीनगर के बाद आता है बडगाम, बडगाम के बाद आता है माजहोम, माजहोम के बाद कुछ पट्टन, पट्टन के बाद 1-2 स्टेशन आते हैं सोपूर, और फिर आता है बारामुल्ला। तो मतलब श्रीनगर से 5-6 स्टेशन के बाद आता है बारामुल्ला। तो श्रीनगर से 50 कुछ किलोमीटर है बारामुल्ला, तो यार 1 घंटा तो लगने वाला है। ये देखिए जो नई 2 ट्रेन रिसेंटली जो है सर स्टार्ट हुई थी, ये उनमें से जो एक ट्रेन ये भी है, आप देख सकते हैं इसके डोर थोड़े से डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक है, आप देख सकते हैं सारा जो है इलेक्ट्रिफाइड है सारा रूट। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, आप ऊपर देख सकते हैं ये पेंटोग्राफ है, ये जो इलेक्ट्रिक के साथ इसको जो कनेक्ट करता है ये आप देख सकते हैं, सारा मैकेनिज्म है भाई पूरा वायर्स के साथ, इसको जो है पेंटोग्राफ बोलते हैं। ये देखिए ये है ट्रेन भाई। अभी हम पहुंचे रेलवे स्टेशन सुपर, तो आप देख सकते हैं ट्रेन अभी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। तो इसके बाद जो स्टेशन है वो है बारामुल्ला, जो कि है लास्ट वाला स्टेशन, और वहां पे जो है ट्रेन सारी खाली हो जाएगी और दोबारा से जो है लोग बैठेंगे। आप देख सकते हैं ये अपने एडी भाई, कैसा रहा सफर तेजस भाई, कैसा? तो सीट्स देखिए यार प्लास्टिक वाली है, तो सारे में से ऐसी सीट्स है, और ये वाली सीट्स ना यार बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है, मतलब जैसे अगर लॉन्ग जर्नी होती है जैसे यहाँ से संगलदान 4-5 घंटे की जर्नी है, तो वैसे जो है इनमें मज़ा नहीं आता बैठने में। बाकी जो दूसरी नई ट्रेन आई है, एक वाली ट्रेन में तो काफ़ी बढ़िया सीट्स है, तो मज़ेदार, तो अभी कुछ टाइम पर क्या पता चेंज कर दे तो मज़ेदार सीट्स करके। अगर कम डिस्टेंस होता है 1-1.5 घंटे तक तो ये भी चल जाती, लेकिन जब बड़ा डिस्टेंस होता है जैसे 12 मिनट टू संगलदान तो इनमें मज़ा नहीं आता है। तो भाई जी ये हम पहुंचने वाले हैं बारामुल्ला, तो आप देख सकते हैं यार कितना जबरदस्त दिख रहा है यार। तो मैं पहली बार जो है बारामुल्ला आ रहा हूँ यार, तो ये देखिए ट्रेन हम जो काफी आगे है, मतलब दूसरे वाले कोच में है हम, और आप देख सकते हैं बाकी ट्रेन 8 डिब्बे होती है ये वाली ट्रेन की जो यहाँ कश्मीर में चलती है, तो आप देख सकते हैं बाकी सारे डिब्बे यहाँ से दिखते हैं। ये मैं कैमरा थोड़ा सा दूर लेता हूँ दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आप देख सकते हैं फील्ड्स अभी के टाइम पे पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, सारी ग्रीनरी क्योंकि समर्स आ रहे हैं भाई, तो अभी विंटर्स में तो यहाँ से भाई बर्फ होती है पूरा वाइट होता है। तो ये देखिए भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो कुछ इस तरह का दिखता है भाई हमारी कश्मीर वैली का लास्ट वाला रेलवे स्टेशन, ये देखिए आप बारामुल्ला, बारामुल्ला ये देखिए भाई, ये रुक गई भाई ट्रेन, तो ये इस वाली साइड है, तो फिलहाल जो है सारे लोग इस साइड से उतरेंगे भाई और हम भी उतरते हैं। और ये जी पहुंच गए हम बारामुल्ला, तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप हमारी कंट्री का फ्लैग भाई, हवा से ये लहरा रहा है। तो बाकी यहाँ से देखिए आप, यहाँ से लोग जाएंगे और उस साइड से बाहर निकलेंगे, तो अभी हम भी वहीं चलेंगे। तो फिलहाल आप ये देखिए ये कुछ इस तरह की ट्रेन है, ये देखिए काफ़ी पुरानी ट्रेन है यार। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन, इसी ट्रेन से जो हम आए 3 बजे ट्रेन यहाँ पे पहुँची, तो अभी जो है 1/2 घंटे का हॉल्ट है इस वाले स्टेशन पे ये ट्रेन का, क्योंकि ये लास्ट वाला स्टेशन है, और इसके बाद जो है ट्रेन वापस जाएगी 3:30 बजे और हम जो इसी ट्रेन से वापस जाएंगे। तो फिलहाल यार आप देखिए क्या ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत मज़ेदार, क्या खूबसूरत एकदम, ये देखिए। और यहाँ से जो है 3 ट्रैक्स है, 1, 2, 3, और ये देखिए भाई इस साइड से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार, और सारा इलेक्ट्रिफाइड, और यहाँ से आगे फिर जो है ट्रेन जाएगी फिर उड़ी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से आगे ये बारामुल्ला आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा बड़ा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ये ट्रैक जो यहाँ से आगे आपको दिख रही है ये जा रही है भाई उड़ी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि उड़ी के लिए भी जो है अभी ये काम चल रहा है, मतलब रेलवे ट्रैक जो है उड़ी तक जाएगा, और यहाँ से उड़ी का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर्स है, और 2022 में जो है इसका काम शुरू कर दिया गया है, और 2027 तक जो है डेडलाइन दी गई है कि कम्प्लीट होगा। तो फिलहाल जो है अभी ये वाला स्टेशन जो है लास्ट है, और वो जो उड़ी है ना भाई पूरे LOC के साथ में है, और वहां से स्टार्ट होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फिलहाल जो है यहां से आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत पहाड़ है यार, बहुत ही जबरदस्त।
एकदम खतरनाक। और ये रही सामने ट्रेन, ये जी देखिए आप, यहाँ से 3x पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए बाकी, यार स्टेशन की बात की जाएगी तो काफ़ी ज़बरदस्त है यार, एकदम बढ़िया लोकेशन है यार। तो सारा पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, जितना ये संगलदान से बारामुल्ला तक ये एंड टू एंड है ना, सारा ट्रैक सारा का सारा इलेक्ट्रिफाइड है और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है यहाँ से। लेकिन जिस ट्रेन से अभी हम आए ये वाली ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं है, तो बाकी जो मैंने दिखाई थी आपको वो वाली इलेक्ट्रिक है। तो भाई ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन बारामुल्ला। तो भाई ये वाला स्टेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगलदान एंड होता है अभी के टाइम पर, उसके बाद जो है ये बारामुल्ला टू संगलदान एंड टू एंड जो है लास्ट स्टेशन से है दोनों के दोनों। तो फिलहाल अभी के टाइम पर मैं खड़ा हूँ बारामुल्ला में, और ये जो ट्रैक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जा रहा है उड़ी के लिए, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। तो भाई बहुत खूबसूरत स्टेशन है ये वाला, अगर बात की जाएगी तो बहुत ही मस्त। और आप देख सकते हैं कि ये कितने हाइट पर है, 1582.79 एबो सी लेवल, एबो मीन सी लेवल। ये देखिए भाई, तो बहुत बढ़िया है यार एकदम। तो अभी जो है हम चलेंगे दोस्तों इसी ट्रेन से वापस, फिलहाल हम अपनी टिकट लेते हैं और आपको बताते कि टिकट के कितने प्राइस है यहाँ से लेके। अब यहाँ से हम श्रीनगर ही जाएंगे, तो किसी दिन हम पूरी जर्नी करेंगे बारामुल्ला टू संगलदान एंड टू एंड जर्नी। तो हमने सोचा था दोस्तों कि हम उड़ी जाएंगे, लेकिन जो है उतना टाइम नहीं है, अभी हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर, क्योंकि आज मेरा रोज़ा है तो यार उतनी एनर्जी है नहीं। अब हम किसी और व्लॉग में जो है आपको उड़ी लेके चलते हैं और LOC के बिल्कुल साथ में, तो आपको दिखाएंगे सारा यार। और कुपवारा में भी एक जगह है किरण, वहाँ से बस सिर्फ एक जो दरिया बीच में जाता है वो जो है दो कंट्रीज़ को अलग अलग करता है, मतलब बीच में एक नदी है जिसको कृष्ण गंगा कहा जाता है, तो उसके उस साइड POK है और इस साइड जो हमारा इंडिया है, तो किसी दिन आपको वहाँ भी लेके चलेंगे, फिलहाल हम चलते हैं वापस। आप देख सकते हैं सारी टाइमिंग है, टाइम टेबल सारा, जिसको जहाँ भी जाना होगा फेयर वगैरह सारा कुछ है। ये आप देखिए फेयर, तो यहाँ पे सारा फेयर है। ये आप देखिए पूरा बानीहाल टू संगलदान, सॉरी बारामुल्ला टू संगलदान, जितना भी है डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ मैंशन है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये देखिए फिलहाल AD भाई यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। ये देखिए भाई लाई टिकट, तो कितने की है, 3 बंदूक की 20 20 20 20 20। तो यहाँ से श्रीनगर 20 रुपये की टिकट है, तो 60 की हो गई। तो फिलहाल टिकट लेके हम जी चलते हैं। तो ये जी दोस्तों हम वापस आ चुके हैं बडगाम से, और ये पहुँचे हम वापस श्रीनगर, जहाँ से जो हमने स्टार्ट की थी आज की जर्नी। तो ये देखिए, तो अभी जो है ना वेदर एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी, तो अभी दोबारा से जो है ठीक हो गया है वेदर। अभी थोड़े टाइम पहले तो धूप का भी दोबारा से जो है खराब होने लगा, तो कश्मीर के वेदर पे अभी भरोसा मत करना है। जब भी घूमने आते हो तो अगर बाहर से आते हो कहीं से तो रेनकोट वगैरह जो है जरूर साथ रखिएगा। तो फिलहाल हम पहुंचे श्रीनगर, तो यार ये थी आज की अपनी जर्नी श्रीनगर से बारामुल्ला और बारामुल्ला से श्रीनगर, तो बहुत ही जबरदस्त यार। फिलहाल आप देखिए अभी ट्रेन रुकेगी यहाँ, और अभी ट्रेन जाएगी डायरेक्ट आगे, और ये देखिए भाई यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज जो मैं पूरा था बन रहा था, ये देखिए भाई बहुत जबरदस्त। तो भाई अभी आ गए हम रेलवे स्टेशन श्रीनगर से बाहर, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन श्रीनगर। तो अभी भाई मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो भाई कैसा मजा आया आज बताइए, आप कैसी रही आज की जर्नी बताइए। जर्नी बहुत मजेदार थी, अच्छी थी, हमने भी लॉस्ट स्टेशन जो कभी देखा नहीं था वो भी आज हमने देख लिया। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो वीडियो लेने ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे अलाउ नहीं कर रहे भाई। मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई आप ले ही नहीं सकते, ट्रेन के साथ में हमने पिक्चर ली, भाई ले ही नहीं सकते, हमें पता नहीं ये होता है वो, भाई मुझे अंदर लेके इस थाने में। तो असल में क्या है कि बोल रहे थे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज के लिए होते हैं भाई, हमें पता है कि क्या चीजें नहीं बोलनी है क्या चीजें बोलनी है। हम नॉर्मल एक पिक्चर ले रहे थे भाई, घूमने गए थे, तो यार अब लोग बाहर से आएंगे घूमने तो वो पिक्चर भी नहीं जब लेंगे वहां पे, तो फिर वो किस लिए जाएंगे वहां। तो बस कैसे करके हमने भाई मैनेज करके ली पिक्चर्स जो भी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम पे, फिलहाल ये था अपना आज का व्लॉग। और किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक बड़े से ब्लॉग में, तब तक बाय। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त और कमाल का वीडियो था ताहिर सुहेल भाई का, और बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है। ट्रेनों के लिए तो हम वैसे ही यहाँ पे खुशी की एक हमारे लिए लम्हा है कि इतना बड़ा अचीवमेंट जो मोदी सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा जो तोहफा मैं समझता हूँ कि जो अमन के साथ दिया गया है वो है
इन ट्रेनों का, और जो टनल्स बना बना के वहां पे ट्रेनें पहुंचाई गई हैं। और ये देखिए कि पाकिस्तान बॉर्डर जो एलओसी पे जो आखिरी बारामूला और उड़ी है वहां तक ट्रेन वहां पे पहुंचा दी गई है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त इकदाम है मोदी सरकार का और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी इकदाम। और हमने एक बीबी की वीडियो देखी थी, वो कह रही थी सड़कें बनाने को मैं डेवलपमेंट नहीं कहती, पता नहीं वो किस चीज को डेवलपमेंट कहती थी। ये वो आसानियां जो आपकी लोगों की जिंदगी में मोदी सरकार ने ला दी हैं, ये पहले कभी क्यों ना थी। पहले आप लोग तो पत्थर मार मार के माहौल तबाह करके रखा हुआ था आपके लोगों ने, लेकिन आज जो ये सहूलतें आपको दी गई हैं तो उस पर शुक्राने अदा कीजिए, खुशियां बांटिए और खुश होइए। रोजगार आपको घर बैठे बैठाए नहीं मिलेगा, रोजगार भी आप जब कोशिश करेंगे तो रोजगार के मौके भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त ट्रेन जर्नी थी और एक खूबसूरत ट्रेन है जो पहाड़ों के दरमियान रस्ते चीरते हुए, पहाड़ों के सीने चीरते हुए एक ट्रेन जा रही है। क्या खूबसूरत वादियों में ट्रेन का तो नजारा ही एक अलग किस्म का माहौल पैदा कर देता है। और ये चीज देखें कि जहाँ पे जो दूर दराज पहाड़ों में यानी कि जो गांव बसे हुए हैं वो जो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चल के फिर बस स्टॉप पे जाते थे, वहां से गाड़ी पकड़ेंगे और फिर आगे जाएंगे, तो वो चीज जो है मोदी सरकार ने उन लोगों को देखते हुए, गरीब आवाम को देखते हुए कि वहां पे ट्रेन जो है उसके जाल बिछा दिए हैं कि ये मेरी गरीब आवाम, मेरे मुल्क की आवाम है, इसके लिए मैं क्या सहूलत दे सकता हूँ। तो वहां पे उन्होंने जो है, जहाँ पे इंसान जल्दी नहीं पहुंचता वहां पे उन्होंने ट्रेन पहुंचा दी। और दूसरी जहाँ पे बारामूला उड़ी और दूसरी साइड पे अगर देखे तो वहां ढंकी को बस भी नहीं होगी, बस भी नहीं होगी, रोड ही वहां पे सड़क होगी ना ही वहां पे अपनी मदद आपके तहत चौपायों जिनको कहते हैं जानवरों पे सफर कर रहे गला गाड़ियों पे जा रहे होंगे और दुआएं दे रहे होंगे कैद आजम जनाह साहब को कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया। और ये चीज देखे कि वो कहाँ पे उन्होंने ट्रेन बिछा दी है, जाल बिछा दिए, कहाँ कैसे कैसे टनल उन्होंने खोदे, कितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया सिर्फ गरीब आवाम की आसाइश के लिए कि आसानी से आवाम अपने घर से शहर सिटी में आ सके, गांव से वहां पे अपना कोई कारोबार करना है, कोई चीज पहुंचानी है, कोई लेनी है, कोई देनी है, जो भी जो जरूरियात जिंदगी अपनी पूरी करने के लिए जो है वो वहां आसानी से आ जा सके। सिर्फ इसलिए उन्होंने इतने लाखों करोड़ों रुपए के जो है वो जाल बिछा दिए हैं सिर्फ गरीब आवाम के लिए। ये होती है इंसानियत की खिदमत, ये होती है एक मुखलस लीडर की निशानी जो कि इंडियन साइड पे हमें नजर आती है, लेकिन पाकिस्तानी साइड पे देखे तो हमें सड़क ही नहीं नजर आती। वो रेलवे ट्रैक तो बहुत दूर की बात है, कोई सड़क ही नहीं नजर आती वहां पे कि वहां पे जाना। कई ऐसे यानी कि जो टूरिस्ट जाते हैं ना, हम ही जो जाते हैं वहां पे सैर करने के लिए, तो हमें कई ऐसे गांव हैं जिनका पता ही नहीं है क्योंकि वहां पे सड़क ही नहीं है, हम कैसे वहां पे जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। और वहां पे जो सफर है वो इतना कठिन और इतना किराया देकर वहां पे करना पड़ता है कि लग पता जाता है कि पता नहीं हम स्विट्जरलैंड आ गए, वहां पे भी इतना खर्चा ना हो जितना हमारे कश्मीर वाले वहां पे ले लेते हैं एक दिन का। बिल्कुल, ये देखिए कि वहां पे ये जो ट्रेन है ये सबसे बड़ा तोहफा है मोदी जी का। और ये 50 रुपए दो और एंजॉय करो। यार सर्दियों में जब ये ट्रेन चलती होगी तो सर्दियों में वो पहाड़ी इलाके की जो नजारे हैं स्विट्जरलैंड से काम नहीं है। और ये सबसे बड़ा तोहफा है। और ये भी जो है ना वो मोदी जी को जो है ना कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह कहकर गए थे कि आपने ये सब कुछ करना है, और हमारी तरफ वाले जो है ना उनको कहकर गए थे आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ये भी जो है ना कायदे आजम साहब की वजह से हो रहा है। तो चीजें यही है कि ये हमारे हुक्मरानों की वजह से है। कायदे आजम साहब ने जो किया था वो ठीक किया था उस वक्त के हिसाब से, जो आज कर रहे हैं अपनी नाइलियों की वजह से, हम कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बात करने से भी गुरेज नहीं करते। तो चीजें यही है, हम अपनी नहलियों की जो बातें हैं वो हम अपने बड़ों पे डालते रहते हैं। तो चीज यही है, आप देखिए कि गांधी ने कहा था, नेहरू ने कहा था कि भाई आपने इतने साल तक जो है ना कश्मीर वालों के लिए या इंडिया वालों के लिए कुछ नहीं करना या इंडिया की मईशत को आगे लेकर नहीं जाना, तो भाई आज वहां पे मोदी आया है तो आज देखिए कहां से कहां वो 10 सालों में लेकर चला गया है। तो इसी तरह से अगर हमारे जो नाहल हुक्मरान है उनमें भी कोई अहल आएगा तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। तो इसके ऊपर कायदे आजम को दुआएं दें या बाद दुआएं दें ये तो उनका अलहदा चीजें हैं, तो उस चीज के ऊपर देखना चाहिए। आज वहां पे ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे हुक्मरानों को चुनते हैं, किन लोगों को आगे लेकर आते हैं। ऐसे ही है, कल मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी और शायद वो लाहौर की थी, और वो लड़का कह रहा था कि हमारे फिरोजपुर से
हिजरत करके हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे पाकिस्तान में आए, तो कहते हैं हम यकीन माने हमारा पूरा घर और खानदान इस चीज के लिए अपने आप को कोसता है कि क्यों हम लोग वहां से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। हो सकता है कि वो वीडियो भी सामने आ जाए, तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो वीडियो अब किसकी थी, लेकिन कोसता क्यों है, क्योंकि वो एक बड़ी गलती करी। अब उधर वाले मुसलमानों की जिंदगी देखें और यहाँ पे रहने बसने वालों की जिंदगी देखें, जमीन आसमान का उसमें अंतर मिलेगा। तो यही वो फर्क है कि वो जो करने वाले थे उनको कोसा ही जाएगा, चाहे वो कायदे आजम साहब हों चाहे वो कोई और हो, क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त किया था ये एक तारीखी जो उन्होंने इकदाम किया था इस नाम पर कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त जो किया था वो ठीक किया था। आप देखें आज जो आज कोस रहे हैं ना, वो अपने बड़ों को कोस रहे हैं ना, उनके बड़ों ने ये फैसले किए थे ना, तो वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन आगे से हमारे जो नाइलिया है हमने जो है ना गलत को गलत और सही को सही कहने की जो है ना कोशिश नहीं की, और बस ऐसे जहाद के नाम पे कभी हम किसी की जंगों में पड़े रहे और कभी किसी की जंगों में पड़े रहे, तो आज हम अपने बड़ों को गलत कहने पे आ गए हैं अपने आप को ठीक करने की बजाय। तो चीज ये है कि जब भी हम अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर इसी तरह से डेवलपमेंट होगी, इसी तरह से लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है जब हम काम करेंगे। लेकिन जब हम काम करने ही नहीं है, काम करने के लिए जो है हम जो है ना दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई आगे हमें इमदाद दे जाए और ये सा कर दिए जाए और हम उसके ऊपर भी वो भी इमदाद लेकर हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो यही चीजें हैं कि जब हम अपनी बुनियादी नुक्ता नजर को देखेंगे तो फिर हमें वो फैसले गलत नहीं लगेंगे, लेकिन जब आज हम अपनी नाहलियों को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं गलती होगी क्योंकि हमने कुछ करना नहीं है। ठीक है, उन्होंने कर लिया है तो इसलिए आज हमें गलती लग रही है। चलिए जी, तो कश्मीर में ट्रेन है, बहुत खूबसूरत ट्रेन है, उड़ी तक आ गई है, हमें क्या, कश्मीर वालों के लिए जन्नत बन गई जिंदगी, तो हमें क्या, हमें तो जो फैसले हुए थे वो ठीक थे और हमने भी खुद को नहीं बदलना। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए।